हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और आज हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस का डिफरेंशिएशन अवकलन। वैसे हमने इससे पहले वीडियो आपको जो प्रोवाइड कराया उसमें आपने सातत्य पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंसिबिलिटी पढ़ा, अवकलनीयता पढ़ा और अब हम आज से अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैलकुलस का मेजर पोर्शन कैलकुलस होता है, डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन अच्छे से बनने के बाद ही इंटीग्रेशन बन पाता है। तो पूरा एक चैन है, ये कैलकुलस का एक चैन है। आप, मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही आप फंडामेंटल इतना स्ट्रांग करके चलिए कि कैलकुलस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्लियर? मेरा पर्सनली बहुत पसंदीदा मैथमेटिक्स है। वैसे तो मैथ्स का सभी ब्रांच मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन कैलकुलस में कुछ अलग तरह का ही इंटरेस्ट है और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको टीचर एक्सप्लेन कैसे करते हैं। यदि आप मेरी बातों को ढंग से समझें, घर में प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें तो नेचुरली आपको कैलकुलस में इंटरेस्ट आएगा। तो आज मैं इसके बेसिक चीज़ों पर बात करूँ। सबसे पहले कैलकुलस के जो फार्मूला अपन लर्न करते हैं, कैलकुलस कम्प्लीटली फार्मूला पर बेस्ड मैथमेटिक्स है। फार्मूले से बहुत हैं, आज मैं लास्ट में आपको फार्मूला का लिस्ट भी दूंगा। तो जो फार्मूला, जैसे अपन डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला जैसे अपन पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये अवकलन का हमारा पहला फार्मूला है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फार्मूले हैं वो डिराइव कैसे हुए, तो आज हम देखेंगे इनका प्रूफ और इसका जो डेरिवेशन होता है, जिस मेथड से इसका डेरिवेशन होता है उस मेथड को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, प्रथम सिद्धांत, इसी की सहायता से ये पूरे फार्मूले क्या हुए हैं, डिराइव हुए हैं। तो मैं कुछ फार्मूले आपको डिराइव करके बताता हूँ, बाकी फिर आप अपने से कर लेंगे और ये लिमिट के बेस पर होता है, इसे लिमिट में अच्छा कमांड बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला होता है वो क्या है, हमको गिवन होता है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये हमको क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ x दिया रहता है और हम इसकी सहायता से फंक्शन ऑफ x प्लस h निकालते हैं और ये जो फार्मूला है अपने पास प्रथम सिद्धांत का फार्मूला, मैं आपको लिख रहा हूँ कि dy वाई बाई डी एक्स, जिसको हम f डैस एक्स भी कहते हैं, दोनों का मतलब भी कही f डैस एक्स या dy वाई बाई डी एक्स, इसका प्रथम सिद्धांत का फार्मूला होता है लिमिट s टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x और अपॉन h। ये है प्रथम सिद्धांत का फार्मूला। तो सबसे पहले ये फार्मूला को आपको लर्न करना है कि प्रथम सिद्धांत का जो फार्मूला है वो ये आपको याद रहना चाहिए, dy वाई बाई डी एक्स, मैंने पहले फर्स्ट टाइम अवकलन f डैस एक्स का ये फार्मूला है। अब हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, जैसे यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर n का, तो वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो देखो इसको हम प्रूफ करें, तो चूंकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर n, इसी का हमको अवकलन करना है जो कि फंक्शन ऑफ x होगा, जो कि y होगा और देयरफॉर इसके बेस पर हम निकाल लेंगे फंक्शन ऑफ x प्लस h इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस h का पावर n, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हमने लग दिया x प्लस h। अब ये अपने पास फार्मूला है, इस फार्मूला में हम इसको पुट अप कर दें, तो देयरफॉर dy dx डी एक्स ऑफ वाई, ये y है या f डैश कह सकते हैं, तो dy dx डी एक्स ऑफ वाई, ये जो कि क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, क्योंकि वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है और यही एक्स टू दी पावर एन के बराबर है। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, दैट इक्वल, यहाँ नीचे के लाइन से मैं लिखूँ या फार्मूला को साइड में मैं लिखता हूँ, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इस सूत्र में मैं मान भर रहा हूँ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, इस सूत्र में पहले आता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ये है, यह हो जाएगा एक्स प्लस एच टू दी पावर एन और माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स टू द पावर एन, ये फंक्शन ऑफ एक्स है
और अपान एच, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो मैं लगभग पूरे डेरिवेशन को लिमिट के जो स्टैंडर्ड फार्मूला हैं उनके हेल्प से डिराइव करता हूँ, तो बहुत आसान होते जाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया। अब इन दोनों में से एक्स टू दी पावर एन को मैं कॉमन कर रहा हूँ। देखो यहाँ से जब एक्स टू दी पावर एन कॉमन होगा तो दोनों में एक्स का भाग होगा, तो इसमें एक्स में एक भाग होगा तो वन हो जाएगा, और प्लस एच में एक्स डिवाइड होगा तो एच अपान एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये होगा अपान एच, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स टू दी पावर एन। अब आगे देखो यहाँ पर इसको हल करने का दो तरीका है, यहाँ पर इसको हल करने का दो तरीका है। एक तरीका है द्विपद प्रमेय की सहायता से आप इसका विस्तार करोगे, द्विपद प्रमेय की सहायता से, द्विपद प्रमेय का जो हमारे पास सूत्र होता है x प्लस वाई टू दी पावर n का, उससे विस्तार करेंगे। या दूसरा तरीका होता है यदि हम द्विपद प्रमेय के डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दें तो n यहाँ पर सामने आके गुणा हो जाता है। यदि पहला पद एक हो, यदि आपने मेरे मैथमेटिक्सकल टूल्स का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने समझाया द्विपद प्रमेय में कि यहाँ पर n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोनों तरीके से कर देते हैं, यहाँ पर मैं द्विपद प्रमेय को यदि यूज़ कर दूं तो द्विपद प्रमेय हमारे पास होता है x टू दी पावर x प्लस वाई टू दी पावर n का फार्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस एन सी वन x टू दी पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू x टू दी पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस एन सो वन प्लस वाई टू दी पावर n, ये द्विपद प्रमेय होता है। और इसको मैं एक शॉर्टकट भी बता दूंगा, पहले द्विपद प्रमेय से आपको बता दूं यहां पर मैं, तो ये x का वैल्यू यहां पर देखो, ये x है यहां पर, ये x है और ये क्या है y है, क्लियर। तो इसको हम यदि विस्तार करें यहां से तो x टू दी पावर n, यहां पर n, तो x का मान कितना है 1, तो 1 का पावर n मतलब 1 होगा, और प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन और इंटू वाई का वैल्यू क्या है यहां पर h अपॉन x, ये y का वैल्यू है, और प्लस एन सी टू एन सी टू x टू दी पावर यहाँ n माइनस वन है, ये हो जाएगा n माइनस टू और इंटू एच अपॉन x टू दी पावर टू प्लस एंड सो वन, और बाहर में है ये वन तो माइनस वन हो गया और अपान में ये h, ये हमने लिख लिया। दैट इक्वल, अभी इसका एक शॉर्टकट तरीका ही बता दूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यदि हम अंदर हल करें तो यहाँ पर देखो इसका जो पहला पद है वो क्या है 1 है, और लास्ट में क्या है माइनस वन है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और उसके बाद यदि हम पूरे में से h को कॉमन निकालें, पूरे में से h को कॉमन निकालें तो देखो यहाँ से h सबसे h कॉमन है, तो h कॉमन होकर इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ में h कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, ध्यान देना, एन सी वन इंटू यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस वन, और एच तो कॉमन हो चुका है तो वन अपॉन एक्स ये बचेगा, और प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, यहाँ पर एक एच को कॉमन कर लिए हैं तो एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो वन, और नीचे का एच तो कैंसिल आउट हो चुका है, क्लियर यहाँ तक। तो ये इस स्टेप में अपन पहुँच जाएंगे। अब आगे आप देखो यदि इसको एच को टेंस टू जीरो किया जाए, मैं आगे के पोर्शन को यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस साइड में, अब h टेंस टू जीरो किया जाए तो केवल ये जो पद है, केवल ये जो पद है इस पद को छोड़ के, सभी में h है, आप देखो केवल ये जो पद ऐसा है जिसमें h नहीं है, बाकी सब में h है, तो ये पूरे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। और लिमिट रखने के बाद हमको मिल जाएगा x टू दी पावर n इंटू, यहाँ से देखिए x टू दी पावर n, एन सी वन का वैल्यू होता है n, एन सी वन संचय से वन हो, एन होता है सबको पता है, और ये जो x है ये ऊपर जाके इसके साथ में माइनस होगा तो x टू दी पावर n माइनस टू, x टू दी पावर n माइनस टू ये हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस वन, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया मैं, थोड़ा ध्यान देना, ये जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चन में वन है, तो सब वन लिखाएगा ना, मैं एक्स एक्स लिख दिया धोखे से, ये सब वन लिखाएगा, ठीक है, तो ये वन होगा।
और 1 का पावर n माइनस 1 माने कितना होगा, वो 1 होगा, 1 का कुछ भी पावर 1 होता है, तो इस तरह से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x। फार्मूला में जो x है वो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखना था मेरे को, 1 लिखना था, ये 1, और इसको भी अपन 1 करेंगे ये। अब देखो यहाँ पर x का घात 1 है और ऊपर जाके इसके साथ में माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यही है ये फार्मूला जो हम याद करके रखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये जितने भी फार्मूला डिराइव हुए हैं, जितना भी फार्मूला डिराइव हुआ है वो प्रथम सिद्धांत से हुआ है। आगे चल के हम कुछ प्रश्नों को प्रथम सिद्धांत से भी डिराइव करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा था, तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप के बाद हम चाहें तो द्विपद प्रमेय का एक कंडीशनल फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं दोनों तरीके से बता दिया, कई बार टीचर शॉर्टकट लिखने पर मार्क्स से घात नंबर काट देते हैं, तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया द्विपद प्रमेय से, और हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से इरेज करके इसका दूसरा विधि आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, ले लिया। अब देखो आप चाहो तो द्विपद प्रमेय का एक कंडीशनल फार्मूला होता है, देखिए यहाँ से मैं इसको बहुत इजी कर रहा हूँ। लिमिट तो पूरा टैलेंट का काम है, लिमिट को सॉल्व करना कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये आपका टैलेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि लिमिट कैलकुलस बहुत ब्रॉड मैथमेटिक्स है, यहाँ बहुत से मेथड हैं, और ये कम्प्लीटली आपके प्रैक्टिस टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कितना छोटा आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। धीरे धीरे आपको सब पता चलते जाएगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं द्विपद प्रमेय को डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इक्वल लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर एन। द्विपद प्रमेय का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि यदि पहला पद एक हो और दूसरा पद यदि भिन्न रूप में हो, रेशनल फॉर्म में हो, तो ये एन यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस एन एच अपॉन एक्स माइनस 1 और अपॉन एच। ये डायरेक्ट द्विपद प्रमेय को अप्लाई करने का कंडीशन है। अब यहाँ पर ये दोनों 1-1 कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट होने के बाद यदि हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर आप देखो ये वाला एच इस एच के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट से एच गायब हो जाएगा, और लिमिट जब हम रखेंगे, लिमिट अब सीधा यहाँ पर लिमिट ही रख देता हूँ मैं, या यहीं पर रख देता हूँ सीधा, तो लिमिट रखूँगा तो क्या बचेगा, ये एक्स टू द पावर एन बचेगा इंटू यहाँ पर ये वाला एच, तो इस एच के साथ कैंसिल हो गया है, और ये बचेगा एन अपॉन एक्स, एन अपॉन एक्स दैट इक्वल एक्स ऊपर जाके इसके माइनस के साथ में घटेगा एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये इसका, तो विस्तार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा भी आप बना सकते हैं, क्लियर। तो ये है, तो पहला फार्मूला आपने देखा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ऐसे मैं कुछ फार्मूले आपको आज प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ, उसके बाद आप उसको फार्मूला को लर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम फटाफट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये मैं मिटा देता हूँ, अब एक एक फार्मूला बता रहा हूँ, और वो फार्मूला को मैं आपको प्रथम सिद्धांत से डिराइव करके भी बता रहा हूँ, प्रूफ करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये फार्मूले डिराइव हुए हैं। बस आपको ध्यान रखना है प्रथम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत का फार्मूला बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए मेरा मैथमेटिक्स का क्लास बाइलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिजिक्स के क्लास तो सेपरेट सेपरेट हैं, फिजिक्स के क्लास में हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो बनाता हूँ, इंग्लिश के लिए अलग, लेकिन मैथमेटिक्स का क्लास मेरा कंबाइंड होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का रोल नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला अपन देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू जीरो होता है, ये मतलब किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होता है, हम जानते हैं। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं प्रथम सिद्धांत से। तो चूंकि जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, सी है, देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच भी सी होगा, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसका हर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का हर फॉर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो बहुत आसान है ये, तो ये सी है तो ये भी सी होगा, देयरफॉर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल
आप ऐसा लिखोगे, देयरफॉर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, सूत्र को एक बार लिख देते हैं फार्मूला को, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच, दैट इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है अपने पास सी है, तो आप सी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इज सी एंड फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑल्सो सी, सी माइनस सी अपॉन एच, दैट इक्वल ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन एच, और जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड होता है तो क्या होता है जीरो। इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है जीरो होता है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरा, एक और ले लेते हैं अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर में मैं ले लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स ई टू दी, फिजिक्स से ऐसा फार्मूला आप लोग को याद भी होगा, इलेवंथ क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं अपन, तो इसके प्रूफ करने के लिए इसको क्या मानेंगे अपन, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, देयर फोर अब इसके हेल्प से निकालेंगे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, तो हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस एच, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। देयर फोर बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, यदि हम फर्स्ट प्रिंसिपल को देखो तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक बार सूत्र को लिखना, फार्मूला लिखना जरूरी है, वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। इस फार्मूला को लिखने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास ई टू दी पावर एक्स, इसी का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। आगे भी हम मान को भर देते हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है ई टू दी पावर एक्स प्लस एच, ई टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर ध्यान देना, पूरा लिमिट का रोल है यहाँ पर, दोनों में से मैंने ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लिया, ई टू दी पावर एक्स कॉमन करने से कैसे कॉमन होगा, यहाँ पर हमने ई टू दी पावर एक्स कॉमन किया तो इसमें ई टू दी पावर एक्स का डिवाइड होगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा तो बच जाएगा ई टू दी पावर एच, और माइनस ये कॉमन हो गया तो माइनस वन और अपॉन एच। क्लियर। दैट इक्वल, अब आपको लिमिट के फार्मूला से याद होगा, वैसे मैंने जब आपको कंटिन्यूटी पढ़ाया, सातत्य पढ़ाया, तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में मैंने आपको लिमिट के 8-10 फार्मूले बताए थे, 11 क्लास का रिवीजन कराया था, वहाँ से आप देखो ये इसका वैल्यू 1 होता है, लिमिट के फार्मूला से e टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू 1 होता है, तो सीधा आप उसको 1 लिख सकते हो, और नहीं तो e टू दी पावर h का जो विस्तार होता है उसको पुट अप करके माइनस 1 करके लिखना पड़ेगा, जो कि लेंदी होता है, तो सीधा आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला के एक बार रिफरेंस दे देता हूँ मैं, चूँकि अपने को पता है लिमिट x टेंस टू जीरो ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, ये लिमिट का फार्मूला है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट, आपको लिमिट में अच्छा कमांड होना चाहिए। तो ये 1 हो गया तो सिर्फ क्या बच गया ई टू दी पावर x। इस तरह से हम प्रूफ कर दिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है ई टू दी पावर एक्स होता है। ठीक है, तो ये हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, ये मैंने कुछ एलजेब्रिक फंक्शन का किया, अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके बता देता हूँ। आप लोग को इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बाद में मैं प्रथम सिद्धांत का एक एक्सरसाइज आएगा वहाँ पर क्वेश्चन को करूँगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, अभी तो मैं आर्टिकल्स कर रहा हूँ, फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ। तो चलिए अपन देखते हैं कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सपोज अपन साइन एक्स को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद एक आध दो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखेंगे और फिर मैं आपको फार्मूला का कलेक्शन दे दूंगा और उस फार्मूला को आप याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर फटाफट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए कैलकुलस को आपको मेरे साथ स्टेप बाई स्टेप सीखना है, यदि आप स्टेप बाई स्टेप मेरे वर्क को करेंगे तो कैलकुलस में बहुत मजा आएगा आपको। चलिए एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं, अपने को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का
डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ये हम जानते हैं, तो इस बात को प्रूफ करते हैं अपन, ठीक है। तो चलो देखो प्रूफ, इसका प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अपन मान लेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है वह क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, देयरफॉर यहां से हम निकाल लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। अब फंक्शन ऑफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं, उसके बेस पर अपन साइन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच निकालते हैं, माने जहां एच होता है एक्स होता है वहां एक्स प्लस एच लिख देते हैं। इसके बाद अपन देयरफॉर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से हम देखें तो क्या फार्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच, दैट इक्वल देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ये साइन एक्स है, तो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू को रखो यहाँ पर, तो वो क्या है साइन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स और अपॉन एच, ये हमने वैल्यू पुट अप कर दिया। अब नेचुरली आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, ये सी है ये डी है, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, ये फार्मूला आप लगा दें तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन सी माइनस डी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। चलिए एक बार मैं फार्मूला लिख दूं तो आपको अप्लाई, वैसे सब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है लेकिन लिख दूं तो आपको अप्लाई करने में थोड़ा सहूलियत होगा। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो टू कॉस ये क्या है सी है, तो दोनों का सम अपॉन टू, तो एक्स प्लस एच और यहाँ पर क्या है एक्स, तो क्या हो जाएगा ये टू एक्स प्लस एच बाई टू और इंटू साइन सी माइनस डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एच बाई टू और अपॉन टू, ये हो जाएगा दैट इक्वल। आगे सॉल्व करें तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसको हम ऐसे ही रहने दें कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू और इंटू साइन एच अपॉन टू, ये तो फार्मूला है, और ये टू को हम सॉरी एच है ना, ये टू को हम इसके अपान में लिखें तो क्या लिख सकते हैं एच बाई टू, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो ये फार्मूला के फॉर्म में आ गया, ये आ गया फार्मूला के फॉर्म में साइन एच बाई टू अपान एच बाई टू, साइन एच बाई टू अपान एच बाई टू, ये क्या हो जाएगा वन, तो दैट इक्वल। अब लिमिट को पुट कर दें तो यहाँ पर एच को हम जीरो करेंगे, ये रेड इन से किया हूँ तो फार्मूला से वन हो गया, तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिल जाएगा कॉस एक्स, और यही आंसर है देखो कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है कैसा होता है कॉस एक्स होता है। तो ऐसे ही आप कॉस का बना सकते हैं, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, ऐसे टेन का सेक का कोसेक का सबका बना सकते हैं। मैं एक एक फार्मूला आपको डिराइव करके बता दे रहा हूँ, बाकी को आप इसी मेथड से बना सकते हैं, और फाइनली फिर आपको ये सब फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। लेक्चर के लास्ट में मैं आपको फार्मूला का कलेक्शन भी दूंगा जिसको आप लर्न करोगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम एंट्री करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए तो आपको पूरा याद रहना चाहिए। चलिए अब मैं आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम देख रहे हैं अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं अपन, इसके प्रूफ को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर हम मानते हैं वाई इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है उसको वाई के रूप में मानो, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा,
देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन y, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन y। एंड यदि हम यहाँ पर लिखें y प्लस k, कोई नया कांस्टेंट लें, तो इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x प्लस h। ये फंक्शन ऑफ x प्लस h है और देयरफॉर यहाँ से x प्लस h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन y प्लस k, साइन y प्लस k ये लिखा जा सकता है। अब इन दोनों के यदि हम सॉल्व करें तो ध्यान देना, यदि मैं क्या करूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं नीचे वाले में से, तो दोनों x कट जाएंगे और हमको मिल जाएगा h इक्वल टू मिल जाएगा साइन y प्लस k माइनस साइन y, ये वैल्यू हमको निकाल के रखना है h का। तो इसका थोड़ा सा अलग मेथड है, ध्यान रखना। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले y इक्वल टू हमने साइन इनवर्स x लिया, देयरफॉर x इक्वल टू साइन y हो जाएगा, और इसीलिए फिर हम सेकंड फंक्शन x प्लस h, ये फंक्शन इधर आ गया है क्योंकि इनवर्स में उल्टा होता है, तो y प्लस k इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस h लिया, तो इसको हम x प्लस h इक्वल टू साइन y प्लस k लिख सकते हैं। नीचे वाले से ऊपर को माइनस किया तो x प्लस h में x माइनस होकर h आया और इतना माइनस इतना। अब हम इसे फार्मूला लगाते हैं प्रथम सिद्धांत से, देयरफॉर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको ध्यान से समझना, ये रेयर है, कई राइटर बुक में इतना उटपटांग लिखे हैं कि समझ में नहीं आता। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डी बाई डी एक्स आप मैं लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फार्मूला वही, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच, दैट इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। यदि हम वहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ये, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वो क्या बचेगा, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा के, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वाई वाई कैंसिल होकर क्या बचेगा, के और अपान एच। तो एच का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं, देखो वो है साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई, ये लिखेंगे। अब चूंकि हमारा पूरा फंक्शन h से k के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जो लिमिट है उसको हम h टेंस टू जीरो के बजाय k टेंस टू जीरो कर देंगे, क्योंकि देखो पूरा लिमिट हमारा k के पदों में है। तो इस तरह से हम h को k के पदों में यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल, अब यहाँ पर लिमिट को सॉल्व करते हैं अपन, लिमिट k टेंस टू जीरो, ऊपर है k और अपान हम लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी, जो भी हमने फॉर्मूला लगाया था, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा 2y प्लस k अपान 2 और इंटू हो जाएगा साइन k अपान 2, क्योंकि यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, दैट इक्वल आगे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट k टेंस टू जीरो, ये 2 को मैं ऊपर लिख दूँ तो हो जाएगा k अपॉन 2 और अपान में हो जाएगा cos 2y प्लस k अपॉन 2 और ये हो जाएगा sin k बाई 2। अब यहाँ पर यदि हम लिमिट का फार्मूला अप्लाई कर दें तो आपको मालूम है कि ये लिमिट का फार्मूला से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, और लिमिट को टेंस कर दें तो दैट इक्वल यहाँ पर k 0 होगा तो 2y बटे 2 मतलब y बचेगा, तो बच गया 1 अपॉन कास वाई। अब आगे इसको ध्यान से देखना, दैट इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से दैट इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ कास वाई को लिख सकते हैं हम रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ पर देखो साइन वाई का जो वैल्यू है, साइन वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स का है, इसी प्रकार कॉस इनवर्स निकलेगा, इसी प्रकार टेन इनवर्स निकलेगा। तो आज के क्लास में मैंने आपको प्रथम सिद्धांत से, मतलब जितने भी डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला हैं कि एक्स टू द पावर एन क्या होता है, ई टू द पावर एस क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, साइन का क्या होता है, ये पूरे फार्मूले का मैंने बहुत से क्वेश्चन का प्रथम सिद्धांत से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको डिफरेंशिएट करके बताया
कि ये सब फार्मूला डिराइव कैसे हुए हैं। तो आपको डेरिवेशन भी जानना है, एग्जाम में पूछ सकता है किसी का डेरिवेशन को सिद्ध करो, साइन इनवर्स एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे चल के हमको इस सिद्धांत से एक एक्सरसाइज भी करना है, फिर जो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है वो फार्मूला के बेस पर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला का ये मैं इरेज कर देता हूँ और एक फार्मूला का लिस्ट आपको देता हूँ अवकलन का, उस फार्मूला के लिस्ट से आप उसको लर्न करिए, या आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक में भी उसका कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या करिए उसको लर्न करिए। तो देखिए मैं अपने बोर्ड में डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो आपने देखा ये जो फार्मूला का लिस्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पूरे फार्मूला को आप रटिए। देखिए मैं एक बात बार बार आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री जैसे पूरा फार्मूला पर बेस्ड मैथमेटिक्स है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। तो पहला काम आप करिए, जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको लंबी यात्रा में जाना है तो सबसे पहले आपके गाड़ी का टैंक फुल होना चाहिए, फ्यूल्स होना चाहिए, डीजल पेट्रोल पूरा भरा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आप लंबी यात्रा नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में यदि आपको लंबा जाना है, बहुत अच्छे से करना है, तो फार्मूला का फ्यूल्स भरा हुआ रहना चाहिए, क्लियर। तो दो टारगेट मैं आपको दिया, ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का पूरा फार्मूला और अभी जो मैं यहाँ पर चार्ट में दिया वो फार्मूला, वो दोनों फार्मूला बहुत अच्छे से लर्न करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपके साथ आऊँगा तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना सिखाऊँगा। ओके, थैंक यू।